हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल लॉलेस। दिस साइड इज एशटी आ गया, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ लैंडमार्क केस ऑफ फैमिली लॉ टू एंड द नेम ऑफ द केस इज काकू मन्नू पेदा सुबैया वर्सेस काकू मन्नू अकम्मा। लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। देखिए, इस केस में होता क्या है, द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ अ माइनर कोपार्सनर। एक माइनर कोपार्सनर होते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली में, उनके मैटरनल ग्रैंडफादर जो कि नाना जी होते हैं, ही फाइल्ड अ सूट फॉर द पार्टीशन ऑन द बिहाफ ऑफ सेड माइनर एज अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर। वो उनके माइनर को पार्टनर के बिहाफ पे एक सूट फाइल करते हैं पार्टीशन का कोर्ट में कि मेरे जो ग्रैंड चाइल्ड है, मेरा ग्रैंडसन है जो कि माइनर को पार्टनर है, इनको पार्टीशन ग्रांट किया जाए। वो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज द डिफेंडेंट दैट इज हिज फादर जो अकम्मा होते हैं एंड हिज सन्स वर कंटिन्यूसली डिसिपेटिंग द एंसेस्ट्रल एस्टेट बाय सेलिंग लैंड एंड परचेजिंग इन द नेम्स ऑफ अडल्ट को पार्टनर। वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसका मिसयूज़ कर रहे थे, वो उसको कम रेट्स में बेच रहे थे और जो लैंड्स खरीदी जा रही थी उनके बदले में दूसरी, वो सिर्फ अडल्ट को पार्टनर्स के नाम पर खरीदी जा रही थी, वो उनकी एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी खरीदी जा रही थी। तो जो माइनर को पार्टनर है उसका हक लिया मारा जा रहा था। देन द पिटिशन वॉज एडमिटेड बट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट द माइनर डाइड। देखिए, पिटीशन तो इनकी एडमिट हो गई थी कोर्ट में, लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी द माइनर डाइड। अब इस केस में इशू ये था दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर सन ऑन हिज डेथ, अनडिवाइडेड और सेपरेट मेंबर एंड वेदर द सूट बी अबेटेड ऑन हिज डेथ। इस केस के जो इशू है वो थोड़ा बहुत पुटरनगम्मा वर्सेज रैनगम्मा केस से भी मिलता है कि जब इस केस में माइनर को पार्टनर की डेथ हुई तो क्या अनडिवाइडेड मेंबर की तौर पर डेथ हुई उनकी, कि वो जॉइंट फैमिली की अब भी अनडिवाइडेड मेंबर है या सेपरेट मेंबर की तौर पर डेथ हुई, और जब उनकी डेथ हुई क्या वो सूट एबेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व ये करती है, अंडर हिंदू लॉ देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट ऑफ माइनर एंड अ मेजर को पार्टनर, कि जो हिंदू लॉ है ये हमारा कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है कि एक माइनर को पार्टनर और मेजर को पार्टनर के बीच में, क्योंकि इस केस में जो मेजर को पार्टनर थे वो प्रॉपर्टी को अपने नाम पर खरीदे जा रहे थे और माइनर को पार्टनर के राइट को वॉयलेट कर रहे थे। एज ही इज माइनर कोर्ट एक्सेस पेरेंट्स पैट्रियल दैट इज ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट एंड एक्सेस वेदर अ पार्टीशन विल बेनिफिट हिम नॉट। देखिए, जैसे कि वो माइनर थे तो इसमें कोर्ट को डिसाइड करना था कि अगर हम इस केस में पार्टीशन अलाउ करते हैं तो क्या वो पार्टीशन इस माइनर को फायदा करेगा या नहीं करेगा। देयरफॉर वेयर द सूट इज फाइल्ड बाय अ माइनर थ्रू हिज नेक्स्ट फ्रेंड एंड द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट अफेक्टिंग अ पार्टीशन वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, द सिवरेंस ऑफ स्टेटस वुड रिलेट बैक टू द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस सूट एंड ही वुड बी डीम्ड एज अ सेपरेट मेंबर फ्रॉम द डेट वेन द पिटीशन वॉज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। इस ऑब्जर्वेशन में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई किया था कि जब कोर्ट ने ये फाइंड कर लिया कि जो अगर पार्टीशन हम करते हैं इस केस में तो माइनर को फायदा ही होगा, तो इस केस में ये माना गया जिस दिन पिटीशन एडमिट हुई थी कोर्ट में उस दिन से ही ये मान लिया गया था कि ये सेपरेट मेंबर हो गए हैं। और ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर द सूट शुड अबेट ऑन द माइनर डेथ, कोर्ट ऑब्जर्व दैट सूट विल नॉट अबेट विद द माइनर डेथ एंड द कोर्ट विल डिसाइड द केस ऑन मेरिट। कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि जो केस है अब भी हम मेरिट्स पर डिसाइड करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनर की डेथ हो गई है या नहीं हो गई है। तो इस केस में यही डिसीजन आया था दैट माइनर सीवरेंस फ्रॉम द जॉइंट फैमिली टुक प्लेस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पार्टीशन ऑफ सूट एंड ऑन द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज अ सेपरेट मेंबर, देयरफॉर ही शेयर इन द प्रॉपर्टी वुड गो बाय इनहेरिटेंस एंड नॉट टू को पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। देखिए, अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये मानती कि जब माइनर की डेथ हुई तो वो अनडिवाइडेड फैमिली के ही मेंबर थे, सेपरेट मेंबर नहीं थे, तो जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो अकॉर्डिंग टू सर्वाइवरशिप वो दूसरे को पार्टनर्स पर ही चली जाती। लेकिन अब कोर्ट ने यह मानना है कि जब उनकी डेथ हुई वो सेपरेट मेंबर थे तो जो उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा था वो एज अ अकॉर्डिंग टू सक्सेशन एक्ट डिवॉल्व होगा, वो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह से इनहेरिटेंस में जाएगा और जो भी उनके क्लास वन आयर्स होंगे, क्लास वन आयर्स हैं तो क्लास टू आयर्स होंगे, उनको डिवॉल्व होगा। तो यही था इस केस में फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, डिसीजन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल लॉलेस। थैंक यू।